जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो, काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो रखे हैं कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगी। SSGD की नोटिफिकेशन की जो डेट थी आप सभी को पता 25 मार्च थी, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं है, ना ही SSC की तरफ से कोई भी नोटिस डाला गया। दोस्तों जितने भी नोटिस आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में कि ये नोटिस मेरे पास में है या ये नोटिस मेरे पास में है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज और बोल रहा हूँ कि जो भी ये नोटिस है या जो भी पेपर की जो न्यूज़ है, पहले बात तो बता दो, जिस पेपर में न्यूज़ है, उम्र उजाला पेपर में जो न्यूज़ आई है, तो उस पेपर की आप सभी को पता है कि कितनी न्यूज़ें कितना परसेंट तक सही होती है, कितना परसेंट तक गलत होती है और कैसी उसकी रेपुटेशन है देश में। ये चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, तो आपने भी बहुत बार न्यूज़पेपर पढ़े होंगे। आपको पता है कौन सी न्यूज़पेपर में किस प्रकार की न्यूज़ कौन सी अच्छी आती है, किस पेपर के में आप विश्वास कर सकते हो उसकी न्यूज़ पर। और बहुत सारे न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बोलते रहते हैं, किसी को भी आधार बना के अपनी बातें बोलते रहते हैं। एक दूसरी बात जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है वो है नोटिस, जो कि SSC का सेम लोगो लगा के उस पर SSC की डेट, एग्ज़ाम डेट, उसके फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, उसकी नोटिफिकेशन कब आएगी, उसके साथ में लोग ज़्यादातर बातें ये भी बोल रहे हैं कि ये अपलोड किया जाएगा कब, 1/6 को। तो 1/6 को जब अगर फॉर्म भरने हैं SSC GD के, तो SSC GD अगर नोटिस उन्होंने तैयार कर लिया तो उनको अगर अपनी वेबसाइट पे वो चीज़ अगर डाले तो उनको उसका कोई नुकसान थोड़ा ना, वो अच्छी बात ही होगी ना। अगर मान लो किसी भी कारण से अगर भर्ती पोस्टपोन होती है या उसके फॉर्म नोटिफिकेशन पोस्टपोन होते हैं, एग्जाम डेट पोस्टपोन नहीं होगी दोस्तों, कैलेंडर के अनुसार ही एग्जाम डेट आपके अगस्त महीने में होगी, तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करिए। दूसरी बात, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, मैंने खुद ने RTI डाला है इसके लिए कि जितना जल्दी हो सके पता लगे। मैंने भी RTI डाला, 2 बार डाल दिया है कि ताकि मेरे को ये रिप्लाई करे। SSC GD की वैकेंसी की भाई डेट, उसमें मैंने ये रीज़न लिया है कि SSC की तरफ से जो डेट आ रखी थी 25 मार्च, लेकिन अभी तक उन्होंने फॉर्म नोटिफिकेशन नहीं निकाली SSC GD की, तो वो कब तक निकालेंगे इसकी जानकारी दीजिए, और क्यों नहीं निकाल रहे कोई भी नोटिस या क्यों अपडेट नहीं कर रहे हैं इसके बारे में। तो दोस्तों अगर इसका रिप्लाई आया, वैसे तो इसका रिप्लाई आना ही आना है, लेकिन कब तक आता है इसका रिप्लाई, जैसे रिप्लाई आएगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपको अपनी तैयारी में कमी नहीं रखनी है। इसी के लिए पहले तो मैं एक चीज़, बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि नोटिफिकेशन बाद में आएगी तो फिर एग्ज़ाम डेट भी बाद में, एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन नहीं होगी भले ही 1 महीने पहले फॉर्म क्यों ना भरे जाए। तो इसलिए तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी है, और तैयारी करने के लिए सबसे खास बात ज़रूरी होता है कि आपके पास में जो तैयारी का मटेरियल है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे बच्चे बुक से तैयारी करते हैं, तो उनको मैं बता दूँ आपके पास में इस प्रकार की मॉडल पेपर की या टेस्ट पेपर की बुक आपके पास में होनी चाहिए। दोस्तों इसमें ओल्ड पेपर भी इस बुक में और मॉडल पेपर भी 20 से ज़्यादा, तो बहुत अच्छी बुक लगी मेरे को, और आप भी चाहो तो इसको परचेज कर सकते हो। अमेजन पर भी ये बेस्ट सेलर हो सकी है, इसके लिए मैंने लिंक भी दे दिया डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, मैंने कमेंट पिन कर रखा है। जिनको बुक की आवश्यकता है मॉडल पेपरों की, तो वो ये बुक ही खरीदे, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे ओल्ड पेपर दे रखे हैं, बहुत अच्छे मॉडल पेपर भी दे रखे हैं दोस्तों। तो इसके लिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि नोटिफिकेशन का इंतज़ार आप करना छोड़ दीजिए। जैसे मैंने बोल दिया RTI मैंने भी डाल दी है, तो जब तक इसका रिप्लाई आएगा मैं ज़रूर आपको अपडेट कर दूंगा। उससे पहले जो लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि जून में होगा, जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इतना लेट SSC को करना होता अपना नोटिफिकेशन, तो अब तक कोई ना कोई SSC की साइड पर आपको नोटिस देखने को ज़रूर मिलता दोस्तों। तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी है, आपको तैयारी बस ये मान के करनी है कि मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया, क्योंकि इसमें सबसे पहले एग्ज़ाम है। फिजिकल तो है नहीं कि भाई आप फिजिकल करोगे फिर उसके बाद में एग्ज़ाम करोगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। सबसे पहले पेपर है, अब चाहे कब भी है, आपको ये तो पता है कि वैकेंसी तो आनी है, भले 5 दिन आगे पीछे हो जाए, और डेट है वो अगस्त 3 है। तो आपको एग्ज़ाम पे फोकस करना है, नोटिफिकेशन पे नहीं। फॉर्म आपसे कभी भरे जाए, आपको पता आपको भरने, आप एलिजिबल है जो बच्चे। अब एज के लिए काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर एज में छूट 1 साल की मिलेगी, कोई बोल रहा 2 साल की मिलेगी। दोस्तों छूट तो मिलेगी ये तो निश्चित है, अब कितने साल की मिलेगी वो तो नोटिफिकेशन के बाद ही क्लियर होगा। छूट मिलेगी नहीं से तो उसका रीज़न है कि एक तो वैकेंसी 1 से 1.5 साल डिले हो गई कोरोना काल की वजह से, और पिछली वैकेंसी में भी काफ़ी बच्चे वेटिंग लिस्ट में, जो बच्चे वेट किए उनके भी ओवरेज हो रहे हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ज़रूर छूट देगी, आप सभी को मौका ज़रूर मिलेगा, चाहे कितनी भी दे लेकिन छूट ज़रूर मिलेगी। ये तो मैं नहीं बोल रहा कि फिक्स 2 साल की मिल जाएगी या 1 साल की मिल जाएगी, लेकिन छूट ज़रूर मिलेगी। जब भी नोटिफिकेशन आएगी छूट ज़रूर देखने को मिलेगी एज में आप सभी को दोस्तों, और सभी चाहते हैं, आपके साथ साथ हम भी चाहते हैं कि आपको एज में छूट मिले, क्योंकि ये डिले हो गई ये वैकेंसी, तो कई बच्चे फॉर्म ही फिल नहीं कर पाएंगे।
इसके लिए आपको छूट मिलेगी, काफ़ी चांसेस है दोस्तों। लेकिन मेन बात यह है कि आपको तैयारी करते रहना है, और जैसे ही मैंने जो RTI डाली है उसका जैसे रिप्लाई आता है मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर दूंगा, नहीं तो आपको एक वीडियो बना के उसके माध्यम से आपको ज़रूर डिटेल दे दूंगा कि कब आपकी नोटिफिकेशन आएगी, कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये मान के पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।